तो हम लोग पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेल्फ की हायर लेवल एक्टिविटीज हैं उनके जागृत होने से कल्पनाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने विचार में देखा कि विचार में तुलन की एक क्रिया है और तुलन की छह दृष्टियां हो सकती हैं, छह आधार हो सकते हैं। यदि चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत नहीं होती है तो हम प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही तुलन करते हैं, विचार करते हैं। प्रिय मतलब कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए उसके अर्थ में, या हित यानी शरीर के किसी पोषण संरक्षण के अर्थ में, या लाभ यानी वस्तु के आदान प्रदान के अर्थ में कि अधिक से अधिक मिल जाए, और इसी अर्थ में हमारा पूरा विचार चलता है। इसी अर्थ में हम तुलन करते हैं। तुलन का मतलब कंपेयरिंग, यानी कि दो विकल्पों के बीच में चुनाव करते हैं। परंतु न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जब जागृत होती है, यानी चिंतन बोध अनुभव होता है, तो हमारे अंदर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जागृत होती है। और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जागृत होने से प्रिय हित और लाभ की जो दृष्टियां हैं वो नियंत्रित होती हैं। तो प्रिय जो है वो जो संवेदनाएं आ रही है शरीर से उसके सदुपयोग के अर्थ में नियंत्रित होता है। हित जो है वो शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में नियंत्रित होता है, शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नियंत्रित होता है। और लाभ जो है वो वस्तुओं के सदुपयोग के अर्थ में, न्याय के अर्थ में नियंत्रित होता है। चिंतन की क्रिया जागृत होने से भाव स्पष्ट होते हैं, जिससे न्याय की दृष्टि जागृत होती है। बोध से व्यवस्था स्पष्ट होती है, जिससे धर्म की दृष्टि जागृत होती है। और सहस्तित्व के अनुभव से संप्रकृतता को देख पाने से सत्य का ज्ञान होता है, जिससे सत्य की दृष्टि जागृत होती है। तो ये हमें उसका प्रमाण मिलता है कल्पनाशीलता में। तो उसमें हम लोगों ने अपने आप में विश्लेषण भी किया था कि अभी हम जो विचार करते हैं वो कितना प्रिय हित और लाभ के अर्थ में है, कितना न्याय धर्म और सत्य के अर्थ में है। उसमें हमने ये भी देखना शुरू किया था कि हम संबंधों में कितना न्याय के प्रति निष्ठावान हो पाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आशा के स्तर पर जो प्रमाण मिलता है उसको अध्ययन किया। तो आशा में दो क्रियाएं हो रही है, चयन और आस्वादन। तो चिंतन बोध अनुभव के अभाव में जो आस्वादन होता है वो मुख्य रूप से रुचि मूलक आस्वादन के अर्थ में होता है। शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। और भाव के अर्थ में देखें तो भाव की अपेक्षा बनी रहती है बाहर से, कोई बाहर से अनुकूल भाव मिल जाए। तो भाव समय चूंकि स्थापित नहीं है इसलिए बाहर से अपेक्षा बनी रहती है। चिंतन बोध अनुभव के साथ ये होता है कि हमें मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है, विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है तो मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है। तो अब जो आस्वादन होता है वो लक्ष्य मूलक होता है, क्योंकि भाव की स्पष्टता हुई है, जो सहज स्वीकृत भाव है वो हमें दिखाई दे रहे हैं विश्वास सम्मान से। तो जो आस्वादन होता है वो भाव मूलक आस्वादन भी होता है, और फिर जो रुचि मूलक आस्वादन होता है नियंत्रित हो जाता है। पहले रुचि के अर्थ में आस्वादन करना है ये हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा था कल्पनाशीलता पे, और इसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाएं कार्यक्रम बना रहे थे। परंतु एक बार मानव लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, भाव स्पष्ट हो जाए, फिर ये नियंत्रित हो जाता है। फिर जैसे प्रिय के अर्थ में हमने देखा वैसे ही रुचि में भी वो होता है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं। तो शरीर से जो संवेदना आ रही है उसका हम सदुपयोग करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में, ये हमें दिखाई देता है। तो लक्ष्य मूलक के साथ देखें कैसे जुड़ा हुआ है। तो जो सत्य की दृष्टि जागृत हुई, जो धर्म की दृष्टि जागृत हुई, यानी जो सहस्तित्व का अनुभव हुआ, व्यवस्था का बोध हुआ, और उसे मानव लक्ष्य की पहचान हुई, ये लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ जुड़ा हुआ है। और चिंतन में भाव स्पष्ट हुए, ये मूल्य मूलक आस्वादन के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रमाण मिलता है हमें स्वयं में, हमें स्वयं दिखता है। आपको भी अभी देखे तो पिछले कुछ समय में जब से आप समय लगा रहे हैं आपको स्वयं में ये प्रमाण आंशिक रूप से मिल रहा होगा कि पहले जैसे व्याकुल हो जाते थे किसी अनुकूल संवेदना के लिए, दूसरे से भाव पाने के लिए, दूसरे का ध्यान खींचने के लिए, अब वैसे व्याकुल नहीं होते, है ना। और यदि वो पूरा नहीं होता था, जिस तरह से व्यथित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तनाव हो जाता था, दूसरे के प्रति विरोध का भाव बन जाता था, या अवस्था फैलाने का विचार चलता था, अब वैसा नहीं होता। आप खुद में भी देख पा रहे होंगे कि भले ही अभी हम चिंतन बोध अनुभव में जागृत नहीं हुए हैं, है ना, जिसकी संभावना है, फिर भी ये जो भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, व्यवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं, सहस्तित्व का विश्लेषण कर रहे हैं, और इसको स्वयं में चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं,
कि जीना कैसा होगा इसके साथ, इसका हम जो स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं, स्वयं के प्रति अवेयरनेस एंश्योर कर रहे हैं, इससे हमारे में वो प्रमाण अभी मिल रहा होगा। क्या लगता है, बात ठीक कह रहे हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये परिमार्जन आपको अपने आप में दिख रहा है कि नहीं, ये प्रमाण स्वयं में मिल रहा है कि नहीं, कि रुचि मूलक आस्वादन से शिफ्ट होकर आप धीरे धीरे भाव मूलक लक्ष्य मूलक की ओर जा रहे हैं। प्रेहित लाभ में विचार करने के बजाय अब आप न्याय के अर्थ में, धर्म के अर्थ में, सत्य के अर्थ में विचार कर रहे हैं, यही प्रमाण है। तो अभी भले ही हमें ज्ञान नहीं हुआ है ना, इसलिए वो प्रमाण की निरंतरता तो नहीं होगी, परंतु फिर भी उसका एक प्रभाव के रूप में तो दिखाई देता है। वही जब हमको भाव स्पष्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर उसको लेकर जो उलझन है वो चला जाता है, तो अभी उसका आस्वादन हो रहा है, अभी उसका तुलन हो रहा है, परंतु उसके प्रति निष्ठा भी बन जाती है जब हमारे चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत हो जाती है। और यही मेरा विकास है, और इसके साथ हमको दिखता है कि इसका सुख बढ़ता है, हमारा जीने में संबंधों में न्याय की प्रवृत्ति बढ़ती है, सुविधाओं के सदुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वयं समृद्धि का भाव बढ़ता है, पूरे अस्तित्व के प्रति हम शंकाओं से मुक्त होने लगते हैं। जी, इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छी चर्चा चल रही है, और वास्तव में मेजर शिफ्टिंग यही है कि अभी जो हम रुचि मूलक आस्वादन में टेस्ट ले रहे होते हैं तो वो वहां से हम संबंध में टेस्ट लेना शुरू करते हैं। अभी हमारा ये रहता है कि भाई सिर्फ मुझे चाहिए है और मेरा ही अपना बन जाए कुछ, लेकिन जैसे जैसे हम संबंध का टेस्ट लेने लगते हैं तो फिर हमें मनुष्य दिखने लगता है ना, प्रकृति भी दिखने लगती है, तो हमारा जो टेस्ट है वो बदलने लगता है, वो संबंध की ओर शिफ्ट होने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे हमको लक्ष्य दिखता है, मूल्य दिखता है, तो फिर हमारी शिफ्टिंग जो है वो निरंतर सुखी होने की ओर बढ़ने लगती है, और जो सत्य न्याय और धर्म है या संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व है उधर हमारा ध्यान जाने लगता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर को शिफ्ट होते हैं कि नीचे की क्रियाएं भी जो है वो व्यवस्थित होने लगती हैं और हमारी रुचि में अंतर आने लगता है। अभी तो बस जहां हम जो हमें चाहिए है उसी पे हम आश्रित हो जाते हैं, अपने को शरीर सुविधा और संवेदना ही मानते रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये प्रैक्टिकल रूप से हो भी रही है। हम ही लोग देखते हैं कि पहले खाने में कितनी रुचि थी, पहले किन किन चीजों में हम लोग ज्यादा ध्यान देते थे, वो अब शिफ्ट हो रही है। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया जी, जी भैया, भैया मेरा सवाल बन रही है कि जैसे चार कारण शरीर के बारे में जो आपने पीछे चर्चा किया है, जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और दो भैया याद नहीं आ रही है मुझे, एक तो महाकारण शरीर और एक अपने जो ज्ञान B1 ब्लॉक की जो बात करी। जी देखिए, पहली बात तो मैंने शरीरों की चर्चा की ही नहीं है, मैं तो यहाँ पर मैं और शरीर इस अर्थ में ही दो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये परंपरा से हमने जरूर सुना है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं, परंतु यहाँ पे कोई शरीरों की चर्चा नहीं हुई है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये चार प्रकार से रखा जाता है, परंतु अभी हम लोग इसकी चर्चा नहीं की है। जी, इसी स्लाइड में। जी जी भैया, जो इसमें ना कल एक मैंने ब्लॉग वो देख रही थी तो उसमें ना एकदम उसमें प्रश्न आ गया मेरा, तो उसमें भैया ये कि जैसे हम सूक्ष्म स्थूल शरीर तो हम देख रहे हैं, उसमें तो जो चीजें अपने एक्सप्लेन करा उसमें समझ आ रही है, और सूक्ष्म शरीर जैसे कहा गया कि सूक्ष्म शरीर में ये है कि जैसे कल्पनाशीलता में हमारा जो इच्छा विचार आशा जो चलती है उससे हम जैसे देख पा रहे। फिर भैया जो कारण शरीर की बात गई कि चिंतन बोध की, यहाँ से जो मेरी महाकारण की जो अवस्था है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाह रही थी आपसे। ये भैया देखिए, अभी हम क्या है ना, बहुत सारी चीजों को उलझा लेते हैं, अभी सीधे सीधे बात हो रही है,
शरीर है और मैं हूँ, मुझ में कल्पनाशीलता है और मुझे ज्ञान का आयाम है और सह अस्तित्व बना हुआ है, इसी सह अस्तित्व में मुझे अनुभव करना है। अब इसको नाम देने की बात है ना, इसको हम किस प्रकार से नाम देते हैं? स्थूल शरीर कह दिया शरीर को, कल्पनाशीलता को कह दिया सूक्ष्म शरीर, ज्ञान का आयाम को कह दिया कारण शरीर, और सह अस्तित्व को या स्पेस को कहा महाकारण शरीर। बट अभी उसमें जाएंगे तो फिर उलझने नहीं तैयार होंगी, ज्ञान के बाद सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का क्या होता है, अभी इसमें क्यों जा रहे हैं? अभी सीधी सीधी बात है, मुझे स्वयं को देखना है, अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, अपने भाव को देखना है, जो संवेदनाओं को पढ़ रहा हूं उनको देखना है, उसको जिस प्रकार से अर्थ दे रहा हूं उसको पढ़ना है, और कल्पनाशीलता में ये परिमार्जन है ये हो पा रहा है कि नहीं इसको देखना है। जी भैया, यही पर मेरा कल थोड़ा ऐसा हुआ है कि कल जैसे जैसे मैं सेशन सुन के हटी, तो जैसे अपने का ना ये छह चीजों पे ध्यान देना, तो मेरा वहां इतना ध्यान नहीं गया, पर जो दीदी भैया लोग शेयरिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, मेरा उस पर ध्यान चला गया, और वो चिंतन करने में मैं उसमें इतनी बिजी हो गई कि जैसे एकदम एकदम जैसे थॉट प्रोसीजर इतना स्लो हो गया, और एकदम एक शांति की जैसे अवस्था होती है वैसे आ गई। वो चलते चलते जैसे कि मैं ये अपनी भी देख रही थी उसमें चेकिंग, बट मेरा उन पे ज्यादा चला गया फोकस, जैसे कि महाकारण शरीर की जब हम कहते हैं स्पेस की बात, वहां जैसे हम बैठते तो ऐसा लगता है कि जैसे हम तो यहाँ चार्जिंग मूड पे बैठे हुए जैसे, और जब कारण शरीर की बात करते तो ऐसे से लगता है कि यहाँ पर एकदम चिंतन की अवस्था में जब होते कि सूक्ष्म जो और जो ज्ञान की अवस्था में जब होते B1 से B2 ब्लॉक से B1 की जो चलती है क्रिया, तो वहां पे इतनी मतलब वो एक भाव बढ़ गया जैसे कि सबके प्रति की। हाँ, उनके पॉइंट्स को मैं देख रही थी कि जैसे भैया ने बिटिया का उदाहरण लिया, नहीं फिर ऐसे जैसे मुझे लगा ऐसे नहीं, फिर दूसरे पे हमें ना आधार लेने की आदत हो जाएगी, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन भैया की प्रयास बहुत अच्छी है, ऐसा चल रहा। तो दीदी ने बोला जैसे गुड मॉर्निंग बोलूंगी तो पता नहीं वो आगे से जवाब, थोड़ा सा ये बता दीदी प्रश्न क्या है। तो भैया जैसे ऐसे मेरे को लगा कि जैसे एनर्जी लेवल जो होती है हमारी यहाँ पर जैसे बहुत एक्टिव हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्लो होने लगते, जैसे एक बात करते ना कि एनर्जी तो सब जगह में फ्लो होती है, तो उस चीज को जैसे क्या हो रहा है अभी, अभी देखिए क्या हो रहा है कि जो स्वयं ऑब्जर्व करना है ना, वो काम थोड़ा सा बाधित हो रहा है, और हम अपने आप में कल्पनाशीलता में एक प्रभाव को देख पा रहे हैं, और उस प्रभाव से हम किसी एक दिशा में प्रभावित हो रहे हैं। तो कभी हम कोई एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के एक डिस्क्रिप्शन को लेकर हम किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं, कभी हम एनर्जी के जो डिस्क्रिप्शन है उसको लेकर प्रभावित हो रहे हैं। तो ये विचार में इस तरह के भाव होना तो ठीक है कि कम से कम उस समय हमारी स्थिति थोड़ी कंफर्टेबल है, बट ये प्रभाव ही है, ये जो ऑब्जर्वेशन होना है भाव का, ये जो ऑब्जर्वेशन होना है संस्कारों का, ये जब तक हम बारीकी से नहीं करेंगे तो ये प्रभाव है, सामयिक है, क्षणिक है, चला जाएगा, इससे कुछ खास नहीं निकलेगा। जब उस ऑब्जर्वेशन को हम करते हैं और फिर अपनी सहस्वीकृति को देखते हैं, तब जाके परिमार्जन होता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सबका अपना अपना एक अभ्यास हो सकता है, तो ये भी एक अभ्यास है कि हम किसी भाव से प्रभावित होकर अपनी कल्पनाशीलता में एक प्रकार से एक्टिव हो जाते हैं, परंतु हमारा ऑब्जर्वेशन वहां रुक जाता है, ये प्रभाव ही है ना। ये जैसे हम बाहर से कोई अनुकूल संवेदना या दूसरे का भाव पाकर प्रभावित होते हैं, वैसे हम अपने आप में कोई कल्पना बनाकर भी प्रभावित हो जाते हैं। तो अभी उससे थोड़ा सा निकलना है बाहर, अवेयरनेस के लिए काम करना है, सजगता के लिए, कि अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देखना है, मैं जैसा हूं वैसा देखना है, शरीर जैसा वैसा देखना है, ये प्रभाव से काम नहीं चलेगा, तो उसमें हमको शिफ्ट करना है ना। ये चाहे हम बाहर से कुछ लेकर प्रभावित हो जाए या अंदर अंदर कुछ कल्पनाशीलता करके प्रभावित हो जाए, है ना, तो उससे कुछ खास उपलब्धि नहीं है। ऑब्जर्वेशन में जाना है, एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखना है, जो है उसको देखना है। ठीक है दीदी जी। भैया मेरा यहीं पर ही मेरा वो बन रहा था कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शरीर का मुझे भान ही नहीं हो रहा था, जब मैं वो एकदम जैसे मुझे लगा कि मैं ध्यान की अवस्था में चली गई, और जब मैं उठी तो मुझे जैसे एकदम शरीर का तो बिल्कुल भान ही नहीं हो रहा था कि मेरे मतलब चल रही हूँ मैं, लेकिन मुझे उसका बिल्कुल जैसे लग रहा था कि वो अंदर मैं चल रही हूँ, और अंदर की सारा वो जैसे वो अवेयरनेस की एक वो बनी हुई थी, और जैसे सबके प्रति जैसे एक वो लगा हुआ था कि बस
जब हम एनर्जी की बात करते हैं या जैसे किसी के एक सहयोग की भाव करते हैं, उनके प्रति जैसे एक वो लग रहा था कि विशेष कल्याण वाला भाव, जैसे वो वैसा दिख रहा था। ये दीदी एक अच्छी स्थिति है, मतलब कल्पनाशीलता में अगर ऐसी स्थिति बन रही है, बट उसके आधार में अब हम जाएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम विचार पूर्वक ऐसी स्थिति पहुंच जाते हैं, कोई भाव पूर्वक भी ऐसी स्थिति पहुंच जाते हैं। तो शरीर जैसा वैसा हमको दिखाई दे, शरीर का होने का भान भी ना हो हमको, तो ये कई बार ऐसा ध्यान की स्थिति में ऐसी स्थिति बन पाती है ना, ये तो ठीक बात है। बट उस स्थिति में भी हम गतिविधि क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व करने की चीज है। तो आप उसको और थोड़ा बारीकी से देखिए, उस स्थिति में अगर वैसी स्थिति में जा रहे हैं तो उस स्थिति में काफी संभावना है कि विचारों में जो उलझन है, द्वंद है, वो कम हो गया या चला गया है। वो भैया चला गया। तो वहां पे फिर हम भाव के प्रति सजग होकर जब काम करेंगे तो फिर आगे की ओर गति बनेगी। जी भैया वही पे आ रही थी, वो भैया लोग दीदियों के इतनी उनके लिए जैसे आभार, जैसे वो ऐसे हो रहा था कि बहुत अच्छी प्रयास चल रही है। अभी शूटिंग वाले भाग को भी रोक देते हैं, तो आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, उस स्थिति में पहुंचकर मुझे संबंध दिखाई दे रहा है कि नहीं, संबंध के भाव से प्रभावित नहीं होना, सिर्फ संबंध दिखाई दे रहा है कि नहीं, व्यवस्था दिखाई दे रही कि नहीं, उसकी सहज स्वीकृति दिखाई दे रही कि नहीं, उस पर काम करना है। जी भैया उस पर ही चल रहा था, वही उसी बहुत लंबी बात थी, मैं अभी शॉर्ट में ही रखा है। यहाँ तक मैं पहुंची और ये चीज को देख पा थी कि संबंधी का भाव था पूरा, और उस मतलब थॉट लेवल भी बहुत वैसा हो गया, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो बिल्कुल समझ आई मेरे को। थैंक यू भैया। बढ़िया बढ़िया दीदी जी। तो इसको हम सभी अपने आप में ऑब्जर्व करें कि अभी हमारे विचार में तुरंत में क्या दृष्टियां काम कर रही है। हम किसी व्यक्ति के साथ लेन देन की बात कर रहे हैं, दृष्टि क्या है, उभय सुख की है, उभय समृद्धि की है या लाभ की दृष्टि है। शरीर की कोई सुविधा जुटा रहे हैं, दृष्टि क्या है, स्वास्थ्य की है या भोग की है। कोई स्वाद ले रहे हैं, दृष्टि क्या है, उस स्वाद के सदुपयोग की या उसे सुख पाने की। इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें तो इससे हम अपने आप अपना मूल्यांकन भी कर पाते हैं और वो गैप्स भी देख पाते हैं जिसपे हमें काम करना है। हमें दिखता है कि हम किस किस तरह से अभी उलझे हुए हैं, आस्वादन में उलझे हुए हैं, विचार में उलझे हुए हैं। फिर उसके पीछे जाकर अपने भाव में संस्कारों को भी देख पाते हैं, हम संस्कारों में उलझे हुए हैं। तो आशा के स्तर पे ये दिखाई देगा आपको कि रुचि मूलक आस्वादन हावी हो जाता है, लक्ष्य मूलक और भाव मूलक का ध्यान नहीं रहता। विचार में दिखाई देगा कि प्रिय हित और लाभ की दृष्टियां हावी हो जाती हैं, और आप पाएंगे किसी पॉइंट पर जो हम निर्णय ले रहे होते हैं उनके पक्ष में, वो इतनी ज्यादा हावी होती हैं कि हम फिर उसी के अर्थ में लेते ही हैं, और भले अपने आप में विश्लेषित बाद में करते हैं तो लगता है कि देखो हम फिर प्रभावित हो गए, फिर हमने वही पक्ष में निर्णय लिया। और उसके कारण यह है कि उसके आधार में जो संस्कार है चित्त के स्तर पर भाव में, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। चित्रण में जो भाव बना हुआ है, इच्छा में जो भाव बना हुआ है, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उसके पीछे जो संस्कार है वो मुझे ठीक से स्पष्ट नहीं होता, तो हम फिर उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस बात को अपने को ऑब्जर्व करना है, मूल मुद्दा ये है। बढ़िया, इतनी बात को लेकर यदि किसी और का प्रश्न तो ले सकते हैं, अदरवाइज भैया आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसको हम अपने आप में अगर देखें, जो बात अभी कही गई उसको हम और विस्तार से यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मानव लक्ष्य और मूल्य के आधार पर टेस्टिंग हो रहा है तो हमारा सिलेक्शन का बेसिस क्या होगा। एक तो है कि स्वयं में जागृति, तो स्वयं में व्यवस्था सुनिश्चित हो जिससे हम सुख शांति संतोष आनंद इसको अपने आप में देख पाए, और वैसे ही पूरी प्रकृति के साथ हमको व्यवस्था में अपनी भागीदारी दिखाई दे, हमको मानव लक्ष्य स्पष्ट हो। तो जो विवेक जागृत होता है हमारे अंदर, तो मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसका प्रमाण हमें आशा में मिलता है, आस्वादन में मिलता है। तो लक्ष्य की स्पष्टता हो पाती है कि हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सहस्तित्व, ये हमें स्वयं में दिखाई देता है। इसका मैं आस्वादन करता हूं। और जब मैं मूल्य का आस्वादन करता हूँ अपने आप में, तो मानव के साथ जो न्याय सुनिश्चित होना है उस अर्थ में मैं चयन कर पाता हूँ। इसके आधार पर जो सेंस जो हमारे अंदर आस्वादन हो रहा है, यानी लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक के आधार पर,
तो उसमें दिखता है कि अब मैं जो सुविधा का चयन करता हूँ तो शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में करता हूँ, सदुपयोग के अर्थ में करता हूँ, तो अब ये जो शरीर से आने वाली संवेदना है उससे प्रभावित होकर जो तुरंत उसके अर्थ में निर्णय ले देते तो उससे सुख पाने के लिए, अब उससे निकल पाते। तो बेसिक शिफ्टिंग है वो यहाँ पे है कि शरीर से संवेदना तो अभी आ रही है, मतलब हर क्षण, मतलब हर बार आ ही रही है, परंतु पहले हम उसे सुख पाने की आशा रखते थे, अब उसको मैं एक सूचना के रूप में देखता हूँ और सूचना का मैं सदुपयोग करने का अर्थ में अब चयन करता हूँ, सदुपयोग करने के अर्थ में विचार करता हूँ। तो पहले जहां मैं प्रभावित होता था अब मैं प्रभावित नहीं होता, परंतु उसके लिए जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था अभ्यास दो में, कि किस तरह से मैं उसको अर्थ देता हूँ, अर्थ के पीछे क्या संस्कार रहता है और संस्कार में कैसे परिमार्जन होना है, उस सारा काम मैं स्वयं सुनिश्चित करता हूँ तब ऐसा हो पाता है। तो सहस्तित्व की स्पष्टता होती है, स्वयं में जागृति की स्पष्टता होती है, व्यवस्था की स्पष्टता होती है, लक्ष्य की स्पष्टता होती है, मूल्य की स्पष्टता होती है, और उससे जो आस्वादन है अब सदुपयोग के अर्थ में, शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में नियंत्रित हो पाता है। जी ये हमें अपने आप में शिफ्टिंग, एक परिमार्जन दिखाई देता है। बढ़िया, अंतर मन में उसका अस्तित्व जानना है। देखिए अंतर मन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कई बार कल्पनाशीलता के लिए किया गया है, तो कल्पनाशीलता में ही चल रहा है, चित्रण आपकी कल्पनाशीलता में ही है ना, विचार आपकी कल्पनाशीलता में ही है, जो चयन आस्वादन कर रहे हैं आपकी कल्पनाशीलता में ही है, यही तो अंतर मन में आपके परिमार्जन या परिवर्तन हो रहा है। बढ़िया, इस पर कोई प्रश्न हो तो बताइए। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा सकते हैं। तो आशा के स्तर पे देखें तो जो परिवर्तन या परिमार्जन हुआ, परिवर्तन तब हुआ जब अभी सिर्फ कल्पनाशीलता में एक्टिव है, तो अभी भी हमारे में परिवर्तन हो रहा है, उसको परिवर्तन कह रहे हैं। परिमार्जन तब जब चिंतन बोध अनुभव जागृत हुआ, तो चिंतन बोध अनुभव की जागृति के साथ ये जो रेड एरो बना हुआ है चिंतन से चित्रण की ओर, इसका प्रमाण हमें मिलता है आस्वादन में, कि लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आधार पर अब रुचि मूलक आस्वादन का सदुपयोग होता है, निश्चित होता है, नियंत्रित होता है। वैसे ही अगर हम विचार में देखें, भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा, एक मिनट इसको पूरा कर लेते हैं। तो स्वयं में जागृति होती है लक्ष्य मूलक के साथ, नहीं अभी इसको रहने दीजिए, जो नीचे तीन चीजें दिखा दी थी ना उसको रहने देते हैं, एक बार क्लिक। हाँ स्वयं में जागृति होती है, स्वयं में व्यवस्था होती है और संबंध के भाव स्पष्ट होते हैं, तो उससे हमारा जो रुचिमूलक आस्वादन है वो नियंत्रित होता है। इस पे तो कई बार ये बात हो गई, इसका अर्थ मुझे लगता है आपको स्पष्ट होगा, परंतु इसको अपने जीने में देखना है। हम कहीं परिवार में ही है, कोई बढ़िया फल आ गया है, तो अगर हम पहले किसी देखें तो हम सोचेंगे कि सबसे अच्छा फल हमें मिल जाए, सबसे बढ़िया सबसे टेस्टी फल हमें मिल जाए, बट यदि हम संबंध के भाव के साथ देखते हैं तो हमको लगता है कि मेरे संबंधी को मिल जाए कि नहीं। लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ ये होता है कि ये जो फल आया है किस विधि से आया है हम उसको भी देख पाते हैं। अब किसी ने ऑस्ट्रेलिया से मंगाकर, विदेश से मंगाकर कोई बहुत महंगा फल हमारे लिए भेजा है, तो हमें उसको देखकर अपने में ये विचार भी चलता है कि इतना महंगा फल विदेश से मंगाया खाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर लोगों को हो सकता है शरीर की आवश्यक सुविधा नहीं मिल पा रही और हम ये विदेशों से महंगा फल मंगा खा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ देखें तो वो दिखता है कि ये मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कोई फल उगाया गया है और उसको मैं खरीद के खाऊं, चूंकि हमारे पास आज के दिन सुविधा है धन, मैं खरीद के खा रहा हूँ, बट क्या ये मेरे धन का सदुपयोग हुआ, तो नहीं हुआ। तो हमारे अंदर ये सारा विचार चलता है लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ, अब मैं जब चयन करता हूँ किसी फल का किसी वस्तु का तो इस पूरे समझ के साथ करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि अब उसके अर्थ में ही निर्णय लूंगा कि अच्छा बहुत मीठा फल है, बहुत अच्छा फल है, ठीक
इसको हर बार मंगाया जाए, हर हफ्ते मंगाया जाए। हमको दिखता है कि मेरे धन का सदुपयोग इसमें नहीं है कि मैं हजारों किलोमीटर दूर से कोई फल मंगा के खा रहा हूँ। मानव लक्ष्य के अर्थ में है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो पा रही है कि नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था समाज में ठीक हो पा रही है कि नहीं, न्याय की व्यवस्था ठीक हो पा रही कि नहीं, सारे परिवार समृद्ध हो पा रहे हैं कि नहीं। इनफैक्ट अगर हम किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं, किसी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ लोगों के पास आवश्यक सुविधाएं भी नहीं है, तो अगर हमें कोई अपने पास धन भी होगा और कोई महंगी वस्तु खरीद के ला रहे हैं, तो हमारे अंदर विचार चलता है कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे पास इतना धन है कि एक महंगी कार में ले आऊं, बट उससे क्या उत्पन्न होगा समाज में? व्यवस्था तैयार होगी या द्वेष उत्पन्न होगा? अब कल को कोई अगर हमारे कार को डैमेज कर दे तो हमें ये नहीं लगता कि समाज के लोग बदमाश हैं, खराब हैं, बिगड़े हुए हैं। हमें अपने आप में दिखाई देता है कि ये जब लोगों के पास आवश्यक सुविधाएं भी नहीं है तो मैं इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले रहा हूँ, मैं इतना महंगा घर क्यों बना रहा हूँ, मैं इतनी महंगी वस्तुएं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ। तो यदि हम लक्ष्य मूलक आस्वादन को अपने आप में न देख पाए, है ना, तो हमारे अंदर विचार ऐसा ही चलेगा कि किसी प्रकार ऐसी गाड़ी आ जाए, और यदि वो गाड़ी आ गई तो उसे एक्साइटेड हो जाएंगे। ऐसा हमने घर बना लिया जो बिल्कुल यूनिक हो, पूरे कॉलोनी में इतना महंगा बढ़िया घर किसी का ना हो, तो हम उसमें एक्साइटेड हो जाएंगे। परंतु लक्ष्य मूलक के साथ देखेंगे तो हमें पहले व्यवस्था दिखाई देती है, समाज की व्यवस्था, कि समाज की व्यवस्था के अर्थ में क्या होगा। मेरे पास यदि सुविधा संग्रह है तो मैंने कैसे इसको संग्रहित किया है, समाज का पोषण करके या समाज का शोषण करके? ये जो मैंने सुविधाएं जुटाई हैं, ये शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में है या अनावश्यक है? अभी एक पॉइंट पे जो हम लोग कई बार वर्कशॉप में भी कहते हैं कि मनुष्य को जब सुविधा का अभाव होता है तो दुखी और परेशान होता है, बट जब सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो 100 दूसरी चीजें सोचना शुरू करता है। किस अर्थ में? यही रुचि के अर्थ में। तो सम्मान के अर्थ में, इसे सम्मान मिल जाएगा तभी आप पाएंगे समाज में। ये उदाहरण आपको कई बार दिखाई दें कि एक समय था कि परिवार में आवश्यक सुविधाओं कमी नहीं कमी थी, फिर उत्पादन किया, किसी प्रकार से उसको पूरा किया, अब उसके बाद एक क्रम बन गया, सिस्टम बन गया, अब सुविधा का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें आय बढ़ती जा रही है। अब हमको ये नहीं दिखाई देता कि इसका आय का सदुपयोग मानव लक्ष्य के अर्थ में होना है। ये धन आ रहा है समाज से आ रहा है, ये धन आ रहा है प्रकृति से आ रहा है, इनको प्रकृति के संवर्धन के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ, सदुपयोग के अर्थ में लगाना है, इसे समाज के पोषण के अर्थ में, विकास के अर्थ में लगाना है, तो फिर हम उसको और संग्रहित करके उससे और भोग करने में लगे रहते हैं। तो हमको अगर लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है तो पहले हमें समाज की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था दिखाई देती है, उस अर्थ में फिर हम चयन करने जाते हैं, वैसे संबंध दिखाई देता है। तो लक्ष्य का मतलब कि हम पूरे मानव लक्ष्य के साथ अब चयन करते हैं, उसकी समझ के साथ चयन करते हैं। भाव मूलक का मतलब कि मानव मानव संबंध में स्पष्टता के साथ अब हम चयन करते हैं, और फिर जाकर हम कोई संवेदना के बारे में निर्णय लेते हैं। अगर उस एक चीज को लेने से संबंध बिगड़ते हो, परिवार की व्यवस्था बिगड़ती हो, तो नहीं लेंगे। कई बार ये होता है परिवार में, अगर ज्वाइंट फैमिली को देखें, और कई बार इस कारण टूट जाते हैं ज्वाइंट फैमिली, दो भाई हैं, चार भाई हैं, साथ में रह रहे हैं, किसी की आय ज्यादा है, किसी की आय कम है, जिसकी आय ज्यादा है वो ज्यादा सुविधाएं ला रहा है, उसके बच्चे एक प्रकार से आचरण कर रहे हैं, जिसके घर में सुविधाएं कम है वो कम सुविधाएं ला रहा है और बच्चे अलग प्रकार से आचरण कर रहे हैं। अब वहाँ भेद तैयार होता है, उस भेद में फिर संघर्ष तैयार होता है, कॉम्पिटिशन तैयार होता है, और परिवार टूट जाते हैं। अगर हम लक्ष्य के साथ देखें तो उस परिवार की व्यवस्था के बारे में पहले ध्यान देंगे, जिसकी आय कम है वो क्यों है, जिसके पास सुविधा का उपार्जन करने का विधि नहीं है, उसकी विधि कैसे बढ़े, कैसे उसके घर में सुविधा का उपार्जन हो, पहले उसके लिए काम करेंगे, अपना धन वहां लगाएंगे ताकि ये भी समृद्ध हो जाए। ना कि हम चूंकि ज्यादा कमा रहे हैं इसलिए हम कोई विशेष सुविधा लाकर उससे अपने आप को, है ना, अधिक बताने का प्रयास करेंगे। ये सब सामान्य सामान्य सी बातें हैं। तो ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है, कल्पनाशीलता में किस तरह से परिमार्जन होता है, उसका प्रमाण आपको जीने में दिखाई देगा। अगर ये बातें न दिखाई दे, लक्ष्य न दिखाई दे, तो समाज में भेद उत्पन्न होता है, समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है, और उसके बहुत सारे उदाहरण मिल भी रहे हैं, है ना। ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की संघर्ष जो है सदियों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लोगों का सलूशन नहीं है उसका। समाज में शरीर के आधार पर, सुविधा के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर संघर्ष चल रहा है, भेद चल रहा है। वो इसलिए है क्योंकि लक्ष्य मूलक का आस्वादन नहीं है, स्थापित नहीं हो पा रहा, लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है, इसलिए जो चयन कर रहे हैं वो भेद के अर्थ में कर रहे हैं, प्रभाव उत्पन्न करने के या बाहर से कोई प्रभाव पाने के अर्थ में कर रहे हैं कि नहीं। वैसे संबंध स्पष्ट नहीं है, संबंधों में खटपट लगी रहती है।
तो इतनी बारीकी से हर एक चीज को देखने की जरूरत है, इतनी बारीकी से अपने आचरण का मूल्यांकन करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। आप इसको देखना शुरू करेंगे, आपके जीने में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो अगर मैं उदाहरण लेने जाऊं तो ऐसे मैंने एक उदाहरण लिया कि घर में कोई फल आ रहा है ना, अगर रुचिमूलक स्वाद के साथ देखे, रुचिमूलक आस्वाद के साथ देखे, तो मैं चाहूंगा सबसे अच्छा फल मुझे मिल जाए, मीठा फल मुझे जाए, खाने को मुझे मिल जाए। बट संबंध के साथ देखेंगे तो हम सोचेंगे दूसरे को मिल जाए। बट लक्ष्य के साथ देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे आया कैसे है, खाली ये परिवार में चार लोग जो रह रहे हैं इन्हीं के साथ संबंध नहीं है मेरा, पूरे समाज के साथ संबंध है, प्रकृति के साथ संबंध है, उसका कहीं दोहन तो नहीं हो रहा, शोषण तो नहीं हो रहा, सदुपयोग तो हो रहा है ना, उसके साथ फिर हम चयन करेंगे। जी भैया, ये जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लक्ष्य के बारे में, मतलब वो लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है कि नहीं होता है मुझे ध्यान नहीं है, पर हम लोग बहुत बार ऐसे लक्ष्य को ध्यान में लाते हैं जब संवेदनाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, जैसे कुछ खाने का मन हो रहा है और बार बार हमको पता है कि वो हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं और हम बार बार खा लेते हैं, तो ऐसे ये जो हम कंटेंट पढ़ रहे ये पढ़ने से हम वो कम होता जाता है। पर कभी कभी फिर ऐसा टाइम आता है ना कि ऐसे संबंधों में भी सुख नहीं मिल पा रहा, ये भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, या ये भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो वो संवेदनाओं पे ज्यादा जाता है ध्यान। तो उस टाइम पे मतलब ऐसे पता होता है ना अंदर से, जब मैं वो खाने जा रही हूँ चीज तो मेरे अंदर वो चल रहा है कि नहीं ये मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं और ये गलत है, मतलब ये नेचर के लिए भी सही नहीं है, पैकेजिंग इसकी और जिस तरह से ये आ रहा है, जिस तरह से मार्केट में आ रही है ये चीज, ये प्रकृति के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है और आर्थिक रूप से भी सही नहीं है, मेरे खुद के पैसे जा रहे हैं उसमें और प्लस मेरी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है, तो भी मैं उसको कर जाती हूँ, मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि अभी आप इसको पढ़ रही हैं, अभी देखना बाकी है स्वयं में, है ना। तो अभी सिर्फ सूचना मिल रही बाहर से, स्वयं में जांच परख होना शेष है अभी, या एक सीमा तक हुआ है, पूर्णता में नहीं हुआ है। तो जब वो पूर्णता में होगा तो फिर उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। ये हमको स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि जो बाहर से आ रहा है वो एक सूचना है, मैं शरीर हूँ, शरीर के साथ हूँ, अब मुझे शरीर का पोषण करना है। ये जो सूचना आई बाहर से तो सामयिक है, आई और चली गई, ठीक, इससे क्या मैं सुख को जोड़ू। जितना जितना ये ऊपर की क्रियाएं जागृत होती जाती हैं, और नीचे जो क्रियाएं हैं है ना, या उनके जो वस्तु है उसमें परिमार्जन होने लगता है, उसके लिए जो ललक है, आकर्षण है ना, जो उसके लिए व्याकुलता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उसमें दिखता है कि निरस्ता है, उपलब्ध कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि तो ज्ञान में है। इसलिए चूंकि अब तक हमें अगर स्वभाव स्पष्ट ना हो, धर्म स्पष्ट ना हो, सत्य यानी परम धर्म स्पष्ट ना हो, तो तब तक ये एक ललक व्याकुलता रहती है, जैसे जैसे स्पष्टता बनने लगती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। और नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी आप देखें तो आप पाते हैं कि जिन चीजों पे हम विचार करके देख लेते हैं कि इसमें कोई खास उपलब्धि नहीं है, जैसे बचपन में खिलौने के लिए लड़ते थे, अब नहीं लड़ते, बचपन में चॉकलेट को देखकर जिद पकड़ लेते थे, कहीं रोने धोने लगे, दुकान से बाहर ही ना निकले, है ना, लटक गया माँ पिताजी से, चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, अब नहीं करते। तो ये तो अपने आप में दिखाई देगा कि जिसका विचार पूरा हो गया उसके करते अब, परंतु कुछ चीजों के लिए अब जो बचपन में नहीं करते थे अभी कर रहे हैं, बचपन में कोई चमकीली लंबी है ना बढ़िया कार देखकर प्रभावित नहीं होते थे, अब हो जाते हैं, किसी का मकान देखकर, ड्राइंग रूम देखकर, सोफा देखकर प्रभावित नहीं होते थे, अब हो जाते हैं, तो उसका भी विचार पूरा नहीं। इसको भी अगर विचार में भी हम ठीक से फैला के देख लें क्या उपलब्धि है, अगर वैसे आप देखें है ना, तो हमने ड्राइंग रूम को खूब सजा दिया बट कोई है ही नहीं जिसके साथ बैठ के हम बात कर सकें उसमें, और कोई आता भी है तो बड़ा कॉशस रहता है, यार कहीं पैर उठा के सोफा पे रख दिया, इन्होंने क्या कह दिया हमारे बारे में, और कोई रख रहा है तो आप कॉशस हैं कि भाई इतना बढ़िया सोफा पे देखो पैर रख के बैठ रहा है, कैसे लोग हैं, इनको सभ्यता नहीं आती, तो वहां तो संबंध का भाव तो दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें, इनफैक्ट ये करने योग्य काम है कि कोई भी आस्वादन के प्रति अगर आपके अंदर व्याकुलता हो रही है, आप उसको कल्पनाशीलता में देखिए कि मैंने इसके लिए चयन किया, अब ये मुझे आस्वादन मिला, ये मुझे मिल रहा है, अब मैं इसको एक समय के बाद क्यों कंटिन्यू करूंगा, फिर ड्रॉप हो गया, चला गया, उपलब्धि क्या हुई, जहां पहले खड़ा था वहीं अभी हूँ। अगर ये बात हम एक सीक्वेंस में देख लें अपने आप में, जैसे कई बार
है ना, अभ्यास में लोगों ने इसका अभ्यास भी किया है, तो आपके अंदर उसके लिए एक व्याकुलता थी, ललक थी, वो चली जाती है, आपको उसमें दिखाई तक कोई उपलब्धि नहीं है। अब उसी क्रम में अगर हम उसको पूरा ना देख पाए, बीच में रुक जाए, तो फिर हमारे अंदर एक भगदड़ होती है कि दौड़ो भागो, कहीं बाहर से संवेदना जुटाओ, इसके लिए प्रयास करो, इसको पूरा करो, उसके लिए चाहे तन लगाना पड़े, मन लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, उसको लगाओ। परंतु एक बार हम उस पूरे क्रम को देख ले, तो इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, है ना। इसको कई बार अभ्यास में देखते भी, संवेदना उठी है ना, उठती गई, उसके प्रति मेरे अंदर जो आकर्षण है वो बढ़ता गया, व्याकुलता बढ़ती गई, एक समय के बाद दिखाई दिया इसमें कोई उपलब्धि नहीं है और ड्रॉप हो गया, चला गया इसको। अब तो तीन बातें इसमें हो गई, एक तो विचार पूर्वक भी ये निकल जाते हैं कई बार, है ना, परंतु उसमें संभावना है कि एक वस्तु के प्रति आकर्षण चला गया, दूसरे के प्रति बन गया। दूसरी संभावना है, हमने इसको कल्पनाशीलता में ही बारीकी से ऑब्जर्व किया, प्योर ऑब्जर्वर की तरह, और देख लिया इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, है ना, जो पहले स्थिति वही अब भी है, कोई खाई कोई इसमें उपलब्धि है ही नहीं, इसमें कोई सुख की निरंतरता की संभावना है ही नहीं। तीसरी बात है कि मेरे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत हो गई, अब मुझे श्रम नहीं करना पड़ता, ये प्रयास ही नहीं करना पड़ता, मुझे स्वयं में सहज रूप से दिखाई देता है। तो पहले दोनों काम तो हम अभी भी कर सकते हैं, चिंतन बोध अनुभव के लिए काम कर ही रहे, बट ये पहले दोनों काम है ना, तो हम अभी भी कर सकते हैं। ये विचार पूर्वक भी कई बार वो चीजें निकल जाती है हमारी कल्पनाशीलता से, उसके प्रति कोई आस्वादन को लेकर कोई आकर्षण नहीं रहता, या उसको बारीकी से देख ले किसी चीज के प्रति आकर्षण बना हुआ है, किसी सुविधा के प्रति है ना, किसी वस्तु के प्रति आकर्षण बना हुआ है, उसको हम देख ले अपने आप में, उठता है, फैलता है, फिर धीरे धीरे गिर जाता है, खत्म हो जाता है। और आप पाएंगे कि जितना इतना इसका बारीकी से ऑब्जर्व कर लेंगे, उसका जो एक दबाव था उससे आप निकलने लगते हैं। ये काम हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं जी। हाँ भैया, मतलब वो जैसे आपने बताया कि विचार में कल्पनाशीलता में ही हमको पता चल जाता है कि भाई इससे कोई उपलब्धि नहीं होने वाली, तो वही रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, और कभी कभी तो मतलब ऐसे जैसे कि बाहर गए, 1 किलोमीटर जाके पानी पूरी खाई, और जैसे ही खाते तो लगता है यार क्यों आए थे, और फिर बाद में ऑब्जर्वेशन होता है, वो उस टाइम पे नहीं होता, जब मैं इतना चल के गई, जब मेरे विचार में चल रहा था, तो वो इतना उसका ऐसे प्रेशर जैसा क्रिएट हो गया था कि वो तो जाके खानी है, ऐसे लगता है उस टाइम पे। तो देखिए, हर रुचि मूलक आसाधन के साथ यही घटना होती है कि जब तक तो नहीं मिल रहा होता है व्याकुल होते हैं, एक बार मिल जाए तो दिखता है क्या उपलब्धि हो गई, बेकार ही इतना मेहनत किया। मगर होता यह है कि जब तक वो लक्ष्य मूलक और भाव मूलक आस्वादन स्थापित ना हो जाए हमारे अंदर, अगली बार फिर वही व्याकुलता बनती है, फिर उसको हम पूरा करते हैं, तो अभी हमारा जीना ऐसे ही चल रहा होता है। बढ़िया, इसको ऑब्जर्व करें, जो मैंने उसके बाद जो दो बातें बताई उसको ध्यान देंगे, उसे निकल पाएंगे। तो भैया, आपने जो बोला कि ऑब्जर्वेशन पहले हो, पहले क्यों नहीं हो पाता, मतलब बाद में तो ठीक है, बाद में फिर उसका कुछ इतना फायदा भी नहीं है बाद में होने का। आपने तुलन किया ना, आपने पाया कि इतना ऑब्जर्वेशन करने में फायदा कि खा लेने में फायदा है, हुआ कि खा ही लिया जाए, ऑब्जर्वेशन तो बाद में भी हो जाएगा। ये अगर पानी पूरी वाला रात को 9 बजे के बाद चला गया तो ऑब्जर्वेशन करके भी क्या मिलेगा। जी भैया, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया दीदी। फल वाला जो था भैया, लक्ष्य मूलक भाव मूलक वाला, तो जब भी ऐसी कोई बात आती है, फल आता है, तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी को देना चाहता हूँ, लेकिन फिर बीबी बोलती कि तुम हर बार ऐसा ही करते हो, तो मम्मी को देते हो, अपने मतलब लड़की को क्यों नहीं देते। तो इसमें भैया मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी तो बचपन से अपने को इतना बड़ा की है, अभी क्या वो ज्यादा मतलब ऐसा है, तो सबसे पहले उसे देना चाहता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, थोड़ा सा प्लीज डिस्कस करिए। मम्मी के संबंध का कटे है, परंतु परिवार की व्यवस्था को भी देखेंगे, और उसमें एक अच्छा उपाय ये है कि आप मम्मी और बेटी दोनों को साथ बैठाते हैं और कहें कि लीजिए आप लोग शेयर करिए आपस में, तो आपकी समस्या अच्छा, चली जाएगी। अच्छा, मतलब किसी को ना देते हुए जो अपने को प्रति एक भाव आता है कि ये जो फल है इतना आया हुआ है, तो ये मम्मी को दिया जाए, ऐसा ना बोल के दोनों में बांट के देना चाहिए, या फिर मिसेज को देना चाहिए। आप मत बांटिए, आप उनको आपस में संबंधित होने दीजिए, उनको है ना साथ में बैठा के फल रख दीजिए कि आप लोग आपस में उसको लीजिए, एक दूसरे को दीजिए। अच्छा, फिर भैया 2 मिनट इंटरेस्टिंग, फिर वो मम्मी वो फल मुझे दे देती है, नहीं तू खा ले पहले। अच्छी बात है, आप दोनों खाइए मिसेस और आप। तो हमारे अंदर जब संबंध का भाव होता है तो खिला कर खाते हैं, नहीं संबंध का भाव होता है तो उल्टा पुल्टा होता है, ये तो अच्छी बात है।
बट वो जो लक्ष्य मूलक आसाधन की बात हो रही है उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो फल आ रहा है किस विधि से आ रहा है ना, ये बहुत, अगर हमने कोई बहुत एक्जॉटिक फ्रूट मंगा के खाया है बाहर से तो उसकी क्या आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं। अभी सीजन आया नहीं है तो आप पाएंगे कोई सीजन आने के पहले ही महंगे फल आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी ऐसी दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं ना, समझ गया, आम भी 150-200 रुपए किलो शुरू में आते हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। तो हम क्यों उस समय से मंगा खा रहे हैं ना, उस समय हम धन का सब उपयोग कर लेंगे, मानव लक्ष्य का सब उपयोग कर लेंगे। जी जी जी, तरह के जीने से जुड़े उदाहरणों में हम इसको देखना शुरू करें तो अगर मूल सार रूप में देखें इतनी ही बात है कि सजग होना है, प्योर ऑब्जर्वर की तरह अपने आप में देखना है, अपना मूल्यांकन करना है और उसी अर्थ में फिर आगे के लिए निर्णय लेना है। तो जो ऊपर की क्रियाएं हैं जो नीचे क्रिया को गाइड करती हैं, तो नीचे क्रियाएं संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, सहस्तित्व के अर्थ में प्रेरित होती हैं। जी भैया, sometimes what happened to me, whenever I'll go try to go to sleep in the night, certain kind of light, something is straining my eyes as well as some come always. नहीं, क्लियर आपके आवाज के साथ ना कुछ बजिंग साउंड भी आ रहा है, फिर से बताइए। Whenever I'll go trying to go, I'll start sleeping ना भैया, during that time some kind of light, some प्रकाश भी बोलते हैं ना उसके, तो thing it is coming and it is not allowing me to sleep and that will take place nearly around 10-15 minutes. Why it is happening like that? I don't know. I'll switch off light and everything I'll do, but still I am not getting some headache also. Sometimes it will come. Is it is some like like bimari what we say, no? Is the text or some other different thing is happening with me? I don't know why I am not able to understand that. जी, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करिए, ये जो लाइट जिसे आप लाइट कह रही हो है क्या? हाँ, एक प्रकाश के तरह वो अंदर जाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लाइक हिंदी में मैं थोड़ा। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो आपकी कल्पनाशीलता में ही है क्योंकि आपकी आंखें मूदी हुई है, आंखें बंद है, योर आईज आर क्लोज्ड, तो बाहर से कोई लाइट तो आपको दिखाई देगा नहीं, यू आर नॉट एबल टू सी एनी लाइट फ्रॉम आउटसाइड, सो देयर इज समथिंग इन योर इमेजिनेशन ओनली। तो अपनी इमेजिनेशन में ही देखें कि आपकी इमेजिनेशन में अभी क्या चल रहा है, व्हाट यू आर इमेजिंग है ना, व्हाट यू आर एनालाइजिंग, व्हाट यू आर कंपेयरिंग, ट्राई टू ऑब्जर्व। आई एम नॉट इवन इमेजिनिंग एनीथिंग, इवन दो व्हेनेवर समटाइम्स आई विल गो, I'll try to sleep during that time, some different kind of light, it is entering to my head, it is entering to my head, like that it will happen and I'll get up in the form of shock and I'll sit, oh what is happening to me, like that immediately I'll get up and I'll sit, something is happening, I don't know, once I met even doctor. अरुणा जी कह रही है आईज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, देख लीजिए अगर कुछ फिजियोलॉजिकल मामला है तो फिर आप एक बार डॉक्टर को दिखा ले, आंखों के डॉक्टर को, और मैं कहूंगा अगली बार जब ऐसा कुछ होता है मतलब आप डॉक्टर को दिखाई ले, ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसको अवॉइड ना करें, उसको देखें लाइट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, लाइट में क्या हो रहा है ना, इसको देखें, अवॉइड ना करें उसको। तो आप अगर अवॉइड करेंगे कि अरे मुझे सोना है, देखो ये दिखने लगा, अब मैं नींद नहीं आएगी, अब मैं कैसे सोऊंगी और मेरा सुबह उठना नहीं हो पाएगा, फिर ये नहीं होगा, तो फिर उल्टी दिशा हो जाएगी। आप सीधी दिशा में इसको देखिए, जाकर ऑब्जर्व करिए, देखते हैं कितनी देर देख पाते हैं, क्या ऑब्जर्व करने में मिलता है ना, तो इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, वंस आई वेंट इवन टू आई डॉक्टर आल्सो, दे टोल्ड मी नो नथिंग इज हैपनिंग विद यू, एवरीथिंग इज राइट, इवन योर आईज आर ओके। जी जी, अलग से बात कर लेंगे, ये पर्सनल इशू है आपका, इस पे अलग से बात कर लेंगे। हां हां, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया दीदी, ओके जी, थैंक यू, नाइस नाइस दीदी।
शिल्प के अखिल बीज को देखे, उन्होंने विस्तार से चिंतन बोध अनुभव के साथ कल्पनाशीलता की क्या स्थिति बनती है उस पर उन्होंने चर्चा की। तो अल्टीमेटली देखें तो ये स्थिति बनती है कि एक छोर पर मैं अपने आप में सहअस्तित्व का अनुभव कर पाता हूँ, दूसरे छोर पर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा इसमें भागीदारी कर पाता हूँ। तो ना एक छोर पे हम अपने आप में अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं, पूरे अस्तित्व के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पा रहे हैं और जीने में पूरे अस्तित्व के साथ जोड़कर जी पा रहे हैं। जहां हम पहले उलझ जाते थे, शरीर में जाके फंस गए, सुविधा में जाके फंस गए, संवेदना में जाकर फंस गए, कि संबंध में किसी घटना को ले जाकर फंस गए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बार बार घूम घूम के वही विचार हो रहा है, उसी का आस्वादन हो रहा है, उससे हम बाहर निकल कर इतने फैल कर जी पाते हैं, इतना अपने आप में तृप्ति पूर्वक सुख पूर्वक जी पाते हैं, मेरे अंदर हर क्षण आनंद संतोष शांति सुख ये भाव बने रहते हैं। जैसे लगता है कि बॉडी जो है वो एक साधन है और जो जो सेल्फ है वो सेंट्रल प्लेस पे है, तो बहुत बार अपने को कोई बॉडी को कोई खतरा होता है, कोई डिसीज होता है बहुत बड़ा, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसा कोई बड़ा जो डिसीज होता है, तब अपने को मालूम रहता है बॉडी साधन मात्र है, उसके बावजूद भी अपन बहुत बार टेंशन में रहते हैं कि भाई ये मेरे बॉडी को कुछ हो जाएगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, तो मेरा फैमिली का कैसा होगा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बॉडी के बारे में मान लिया साधन मात्र है, तो बॉडी को तो मान लिया साधन मात्र, मैं क्या हूँ ये स्पष्ट नहीं है, तो साधन गया तो मैं भी गया, है ना। अगर ऐसा हमने मान रखा है तो फिर तो भय होगा ही, चिंता होगी। अभी आप देखिए किसी व्यक्ति का हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं शमशान घाट पे, तो हम जाते ही कहते देखो सब मोह माया है, कुछ नहीं रहने वाला है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, 10 तरह की बातें करते हैं, फिर निकलते निकलते बिजनेस की बातें शुरू हो जाती है ना। तो खाली हाथ जाना है बट अभी तो कम से कम हाथ में कुछ हो, है ना। तो भी क्या हुआ, अभी ये सब मान्यताओं में जीने का अभ्यास है, इसीलिए हम कुछ चीजें मान लेते हैं बट मानने से काम चलता नहीं है। वहां समस्या होती है कि जिसके बारे में जो चीज हमने मान ली उसके अन्यथा के बारे में हमको स्पष्टता नहीं है कि शरीर नश्वर है तो फिर कंटिन्यूअस क्या है, अगर ये सुख नहीं है तो सुख क्या है, अगर ये भ्रम है तो सत्य क्या है, ये हमको पता नहीं है। तो हम कहते तो रहते ये सब भ्रम है, है ना, शरीर तो सामयिक है, सुविधा सामयिक है, बट निरंतर है वह क्या है, तो उसमें हमको लगता है बहुत ऊंची बात है, है ना, ये तो कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक होता होगा जो ऐसा ज्ञान तक पहुंच पाता होगा, ये सब उनकी बातें हैं, ये सब तो है ना एक सामान्य रूप से जो परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, जो लोग सुबह शाम तक सुविधा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए सब बातें लागू नहीं होती। तो हमने एक छोर पे तो ये मान लिया कि ये सब तो भाई क्षणिक है, दूसरी छोर पर ज्ञान को हमने ऐसा विरल मान लिया कि करोड़ों में किसी एक को होता होगा, है ना, बराबर है। कई बार तो बोलते भी रहे हैं कि भाई लाखों में कोई एक सुन लेता है, जो सुनते हैं उनमें लाखों में कोई एक समझ पाता है, तो हमने ऑलरेडी उसका जो रेशियो है ना कितना कर दिया, 1,00,000 × 1,00,000, इतने में एक आदमी समझेगा। तो ज्ञान को हमने बहुत विरल बना दिया, इसलिए हमारे अंदर वो आश्वस्ति ही नहीं बनती कि ज्ञान हो सकता है। तो एक छोर पे तो हम उनकी सामयिकता को स्वीकारते हैं बट निरंतरता है वो हमको लगता है संभव ही नहीं मेरे में, तो क्या करें। अगर हम अपनी कल्पनाशीलता में देखें तो हम पूरे समय इस द्वंद परेशानी उलझन में रहते हैं। एक भारतीय मानस को आप देखेंगे तो ऐसे ही चल रहा होता है आमतौर पर। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो ये जो बात हुई थी कि जहां अभी हम सुविधा में उलझ के रह जाते हैं, शरीर में उलझ के रह जाते हैं, संवेदना में उलझ के रह जाते हैं, या दूसरे के प्रति एक विरोध के भाव को बनाकर, है ना, उसी संबंध में उलझ के रह जाते हैं, उससे निकल कर हम इतना फैल कर जी पाते हैं। देखता हूँ तो समग्र अस्तित्व को देख पाता हूँ जैसा वैसा, जीता हूँ तो समग्र अस्तित्व भागीदारी को देख पाता हूँ, उसको पूरा भी कर रहा होता हूँ। ये मानव चेतना है, ये मेरा विकास है, ना, इसी के लिए हम सभी अभी प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा।
तो इसके साथ जो होमवर्क है, देखने की बात है, अपनी इच्छाओं को हम एक दिन पूरा ऑब्जर्व करें और देखें कि इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं, संवेदना से, मान्यता से या सहस्वीकृति से। उसी को दूसरे रूप में रखें तो देखें कि जो सहस्वीकृति है वो हमारा कितना ज्ञान का भाग बना है, कितना हमने उसको देख लिया है, तो चिंतन कितना हुआ है, बोध कितना, अनुभव कितना हुआ है, और उसके साथ कितना हमारे अंदर कल्पनाशीलता चल रहा है या अभी भी संवेदना और मान्यता के आधार पर चल रहा है। और फिर अपने जीने में हम देखें कि हमारे जीने का केंद्र कहाँ है। हम चयन आस्वादन के स्तर पर, आशा के स्तर पर जी रहे हैं कि बाहर कुछ अच्छा हो जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, या विचार के स्तर पर जी रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, खूब सारा विश्लेषण कर रहे हैं, ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, नए नए सिद्धांतों के बारे में विचार कर रहे हैं, नए नए थियरी फिलोसफी है ना, बहुत सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, विचार में मगर विश्लेषण कर रहे हैं, या फिर हम भाव के स्तर पर जी रहे हैं कि हम अपने अंदर सही भाव को कम से कम चित्रित कर पाते हैं, संबंध के भाव को, व्यवस्था के भाव को, हम वहां जी रहे हैं और उसमें और आगे बढ़े तो संबंध का चिंतन कर पा रहे हैं, या फिर हम और ऊपर जाकर व्यवस्था के बोध के स्तर पर, संकल्प के स्तर पर जी रहे हैं, या हम सहस्तित्व के अनुभव के साथ उसको प्रमाणित करने के अर्थ में जी रहे हैं। ये अपने में जांच परख की बात है। तो ऐसा तो एक दिन में आपको अगर करेंगे भी तो ऐसा नहीं कि हम सहस्तित्व के अनुभव तक पहुंच जाएंगे, परंतु इतना जरूर है कि मैं अपना राइट इवोल्यूशन कर पाऊंगा। जब मैं अपना राइट इवोल्यूशन कर पाता हूं तो मैं दूसरे का भी कर पाता हूं। तो जितना जितना मैं अपने में राइट इवोल्यूशन कर पाता हूं उतना उतना मुझे संबंधी के साथ भी जीने में, दूसरे के आकलन करने में सहयोग मिलता है। तो ये अपने स्वयं के मूल्यांकन की बात है। लक्ष्य मूलक तो समझ में आया, मूल्य मूलक जो कह रहे हैं वो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मूल्य मतलब संबंध में मूल्य, मानव के साथ, शेष प्रकृति के साथ, स्वयं में जो मूल्य है उसको मूल्य मूलक आसाधन कह रहे हैं। जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, तो जब मेरे अंदर विश्वास और सम्मान का चिंतन होगा उसका मैं आस्वादन भी तो करूंगा जी। तो ये भाव मूलक आस्वादन हुआ, मूल्य मूलक आस्वादन हुआ, भाव मूलक मूल्य मूलक एक ही है ना। ठीक है, बढ़िया। तो इसको आज हम लोग असाइनमेंट ग्रुप में ले रहे हैं ना, और इसको जरा देखें, जो मैंने उदाहरण दिए आस्वादन को लेकर, वही विचार को लेकर हम देखें कि हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यवस्था के स्तर पर, चाहे परिवार हो है ना या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बारे में जो विचार कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें न्याय धर्म सत्य की दृष्टि आधार में है या कोई प्रिय या कोई हित या कोई लाभ की दृष्टि आधार में है, जो चयन कर रहे हैं उसका आधार में क्या है, लक्ष्य आधार में है, मानव लक्ष्य आधार में है, संबंध में भाव आधार में है, या कोई कोई रुचि कोई स्वाद आधार में, इन सब चीजों को अपने आप में ऑब्जर्व करें, बहुत सारा स्कोप मिलेगा अपने आप में काम करने के लिए। अभी आप जैसे बोल रहे थे कि इवैल्यूएशन करना और फिर बाहर दूसरे का इवैल्यूएशन करना, तो जैसे मैं अपना इवैल्यूएशन करती रहती हूँ, मुझे अपनी गलतियां और चीजें पता होती है, उस पर भी करेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है और सामने वाले को भी देखने, और जब से ये चीजें सुनने या देखने लगी हूँ तो सामने वाले का भी या परिवार में जो मेंबर्स है उनका भी इवोल्यूशन करने बैठ जाते हैं। खुद तो कर ही रहे अपना और लग रहा है कि गड्ढे में है, और सामने वाले का भी करने लगते हैं कि ये भी गड्ढे में है, ये भी निकले, तो और ज्यादा परेशानी बढ़ती है और फिर और ज्यादा हम अपना और नीचे जाने लगते हैं कि जैसे स्ट्रेस पाने लग गए और फिर लग रहा है कि नहीं, हम विचार तो कर रहे हैं, विश्लेषण तो कर रहे हैं, लेकिन उससे चीजें मुझे, मैं अपना बता रही हूँ कि पता नहीं क्यों अभी निकल के नहीं आ पा रही इन चीजों से, और दूसरे का एवोल्यूशन करके और ठीक तो कर नहीं पाते हैं, उल्टा जी, हम अपने क्लियर कर देता हूँ। ये स्थिति कमोबेशी सबके साथ होती है, तो इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। तो अभी आप जिसको मूल्यांकन कह रही है उसमें अधिकतर हम अपनी कमियां देख पा रहे हैं, कमियां देख पाना मूल्यांकन नहीं है, है ना, उसका एक भाग है। मूल्यांकन करते तो ये भी देखता है कि देखो मेरी सेहत स्थिति तो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी लगता है मुझमें समझने की क्षमता है, मुझे भी लगता है कि अगर मैं ध्यान दूंगा है ना, प्रजक्ता के साथ ऑब्जर्व करूंगा, अध्ययन करूंगा तो समझ भी पाऊंगा, और वही दूसरे के साथ भी है।
ये तीन बातें भी साथ में दिखाई देती है अपनी कमियों के साथ। अगर हम सिर्फ अपनी कमियों को देखें और ये तीन बातें ना दिखाई दे तो डिप्रेस होते, अगर इन तीन बातों के साथ देखें तो आगे का योजना कार्यक्रम बनता है अब क्या करना है। लेकिन ये हाँ, और दूसरा आप जैसे अस्तित्व को देखना, हमको दिखता है कि ये अस्तित्व है, ये चीजें है, मतलब मैं हूँ, आसमान है, धरती है, पेड़ है, जीव है, पूरा एक, ये तो रूप का साधन हुआ। अभी वहां ना जाए, अभी तो हम है ना भाव से शुरू करें काम करना, अभी वहां ना दे, ये तो रूप का साधन कर रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी का पहाड़ों का, ये तो रूप का साधन कर, अभी हमें व्यवस्था को देखना है, खाली इनके रूप का साधन नहीं करना है।